तो आपको लगता है कि परवेज जी हाँ इलाही जी हाँ साहब जी उसी हाँ सफे पे हैं जिस पे इमरान खान साहब हैं, नोइंग दैट कि आखिरी वक्त पे वो उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख जो है वो पिंडी की तरफ मोड़ लिया था। जी हाँ बिल्कुल जी बदल नहीं, दिया। अहमद अवैस साहब हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन का दायरा भी पीटीआई के मामले में हमसे ज़्यादा वसी है। लेकिन मैं नहायत अदब के साथ, मेरी अपनी राय ये है कि परवेज इलाही साहब, आपको पता है कि वो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले आदमी हैं और उस सिराते मुस्तकीम के लिए आपने देखा कि उन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून के साथ वादे वईद किए, खाना खाया और वहाँ पे वो ले गए अपने साथ मिठाई और फूल हाँ, जरदारी साहब जरदारी के साहब के पास, पास। और रातों रात किसी ने उसको सिरात मुस्तकीम दिखा दिया और अगले दिन उनके पास चले गए। दूसरा, उनका और इमरान खान साहब की एक तलख हिस्ट्री भी रही है। यानी वो अगर अब, सॉरी कता कलामी माफ, अगर अब इमरान खान साहब के फैसले को सेकंड करते हैं परवेज इलाही साहब, तो पहले तो एक कॉल के बाद किया था, फिर कॉल पे ही फैसला करेंगे आप नहीं, लोग? अब एक तो उन्होंने स्टेटमेंट बदल दी ना, वो पहले कहते थे कि ये इमरान खान साहब की अमानत है, तो अब तो उन्होंने कह दिया कि ये बाजवा साहब की अमानत है। ठीक है, तो एक तो ये तब्दीली आ गई है। दूसरा, ये चौधरी बरादरान जो है ये बड़े जहीन और लोग हैं और पोंग पोंग के कदम रखते हैं, तो उनको ये पता है कि इमरान खान साहब की इस वक्त एक आर्जी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, और जब कबूलियत नहीं होगी तो इलेक्शन से पहले ये मकबूलियत भी खाक में मिल चुकी होगी। तो इस तरह के किश्ती में चौधरी बरादरान कभी भी सवार नहीं होंगे। और उस रोज एक तरफ उन्होंने ये कह दिया कि ये उनकी अमानत है, लेकिन साथ लेकिन लगा के फिर तो उन्होंने खुद कह दिया कि मार्च तक इलेक्शन नहीं हो सकता। उधर केपी वालों ने अपने आप को जोड़ दिया है पंजाब असम्बली से। और फिर एक पहलू वो है जिसकी तरफ अहमद अवैस साहब ने इशारा किया कि अगर दो सूबों में इनकी हुकूमत होगी तो फिर जनरल इलेक्शन में कौमी असम्बली में कैसा भी वो आएगा। लेकिन इससे एक उलट भी तजिया किया जाता है, और वो ये कि भाई इस वक्त अगर आप उन दो सूबों में इलेक्शन में जाएंगे और मरकज में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इन लोगों की हुकूमत होगी, तो उस सूरत में क्या वो सूबों में वो मतलूबा नतायज हासिल कर सकेंगे, क्योंकि मरकज की हुकूमत भी जाहिर एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारी वो इन्फ्लुएंस करती ताकत है। होती है। और ठीक फिर एक बात। बहुत बड़ा खतरा वो ये भी है कि मसलन पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की बड़ी मकबूलियत थी जब वो यहाँ से गए जीटी रोड पे और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन इलेक्शन से पहले वो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। तो इमरान अब खान इमरान साहब खान के साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं और जितने ओपन एंड शट केसेस हैं, तो मेरे ख्याल में तो उनको वेरी डिस्क्वालिफिकेशन से इंपॉर्टेंट, अल्लाह ही बचा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट।